गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल का व्लॉग का एंडिंग मैंने यहीं पे किया था, तो आज बेसिकली मुझे दो काम करने, आज मुझे कुछ प्लांट्स लगाने बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से कुछ पॉट्स लेके आई थी और एक मैंने DIY करके एक प्लांट स्टैंड भी बनाया था, प्लांट स्टैंड बोल सकते हो आप उसे। और आज मैं बनाने वाली हूँ मग केक। एक्चुअली आई डोंट हैव माइक्रोवेव और ओवन समथिंग लाइक दैट, तो मैं घर पे ही ट्राई करूँगी मग केक बनाने का सिंपल तरीके से। पहली बार ट्राई करी हूँ, आप भी डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करना। आई विल शेयर द रेसिपी विथ यू गाइज ऑल्सो। तो अंदर चलते हैं, मग केक बनाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं एंड वीडियो पूरा ज़रूर देखना। मैं अंदर जा ही रही थी पॉट्स लेने के लिए कि मम्मी ने मुझे चाय दे दिया, एंड चाय से इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ ज़रूर करना। कुछ दिन पहले ही हमारे घर के सामने इस तरीके का एक ट्रक आया था जिसमें इतने सारे प्लांट्स थे, तो मैंने यहाँ से ही एक दो प्लांट्स ले लिए थे। ये जो आप छोटा सा स्टैंड देख रहे हो, ये मैंने बैम्बू को वायर से अटैच करके और उसके बाद इस पर पेंट कर दिया था, सो एक मिनी प्लांट स्टैंड मैंने इसे बना दिया है। मैं काफ़ी सिंपल तरीके से मग केक बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाला है, आप चाहे तो आप गेहूं का आटा भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्पून कोको पाउडर डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉफ़ी डालूँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है केक में, तो थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड कर दूँगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद हाफ स्पून जैसा यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद यहाँ मैं शुगर डाल रही हूँ। ये सब डालने के बाद मैंने एक चुटकी नमक भी डाला था, वो मैं शूट करना भूल गई, तो इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पून थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी अब मुझे काफ़ी सही लग रही है, तो अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ अपनी फेवरेट चीज़। तो इसमें मैं थोड़ा सा चॉकलेट को क्रश करके इस तरीके से डाल दूँगी। इससे क्या होगा ना कि मुझे उसका टेस्ट चॉकलेट का भी आता है केक में, तो वो काफ़ी अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर भी मिलता है, तो इसलिए मैं चॉकलेट को ऐड करती हूँ। यह ऑप्शनल है, अगर आपको चॉकलेट ऐड नहीं करना तो आप ऐड नहीं भी कर सकते हो। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल के उसे प्री हीट कर लिया था और अपने मग केक को इसके ऊपर में रख के इसे कवर कर दूंगी। 20 मिनट्स के बाद ये बन जाता है, तो मैंने ये छोटे छोटे दो बाटी में भी बनाए थे और अब ये मैं इसे खाने वाली हूँ। डिनर में आज है रोटी, बॉयल एग एंड पनीर भुर्जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।